गाइस, तो आपका अपने चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस 12 वोल्ट वाली मोटर के आर्मेचर की रिवाइंडिंग। ये आर्मेचर पूरी तरह ख़राब हो चुका है, मतलब इसकी वाइंडिंग जल गई थी, तो मैंने इसकी सारी वाइंडिंग को निकाल दिया है इसमें से। तो इसकी वाइंडिंग हम एक 22 गेज की कॉपर वायर से करने वाले हैं, जो कि ये है। तो पहले इसमें बहुत पतली वायर का यूज़ किया था, अब हम इस मोटी वायर का यूज़ करके करेंगे, जिससे इसका टॉर्क और स्पीड दोनों बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे इस पे वाइंडिंग करनी है, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पर। तो सबसे पहले हम इस पे वाइंडिंग करने के लिए जो ये वायर है, इसके ऊपर की जो ये लेमिनेशन होती है ब्राउन ब्राउन से, इसको निकालना पड़ेगा। इसको हम यहाँ से घिसेंगे इसकी हेल्प से, इसको थोड़ा घिस के थोड़ा यहाँ से इसकी ऊपर वाली जो एक लेयर चढ़ी है उसको निकाल लेंगे। ऐसे थोड़ा इसको घिसना है जिससे कि ये कॉन्टैक्ट में आ जाए। अगर इसको नहीं घिसेंगे तो मोटर से कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी और ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। आप देख सकते हैं इसके कलर में डिफरेंस आ गया है। तो उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अकेले वायर से इस पर हम सोल्डरिंग नहीं कर सकते, तो इस पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया सोल्डरिंग, हम देख सकते हो अच्छे से सोल्डरिंग हो चुकी है। एक मिनट, तो ये अच्छे से सोल्डरिंग हो गई है इस पे। अब हमें इस सोल्डरिंग हुए वायर को इस आर्मेचर पे बने ये पॉइंट, इन बने हुए पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट पे सोल्डर करना है। जैसे ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, पांच पॉइंट बने हैं, तो इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे इस वायर को सोल्डर कर लेना है। तो मैं इस पॉइंट पे इसको सोल्डर कर लेता हूँ। मैंने इस पे सोल्डरिंग कर ली है, ये सोल्डरिंग हुई है इस वायर को, ये वायर यहाँ सोल्डर कर दी है। तो हमने इस पॉइंट पे सोल्डर किया है, और इसके नीचे वाला और इसके आगे वाला ये हम दो खाली छोड़ देंगे। हम इनके आगे से वायर को लेके जाएंगे, यहाँ से इसके आगे से, मतलब यहाँ सोल्डर किया, इसके इस और इसके आसपास हम ऐसे रोटेट करेंगे। और ये जो हम रोटेशन करेंगे वायर को टाइट करके करना है, और हम इस पे जो ये रोटेशन देंगे ये 9 या 10 रोटेशन देंगे, जिससे कि ये वायर पूरी तरह फिक्स हो जाए। टाइट करके लगाना है, ये एक हो गया, ये 2, 2, उसके बाद 3 और ये आखिरी 9। तो ये हमारी 9 रोटेशन इस पे हो चुकी हैं। आप देख सकते हो यहाँ से हमने इसको शुरू किया है, इस पॉइंट से शुरू किया, इन दोनों के आगे से लेके इनके आसपास 9 बार हमने लपेटा है। 9 बार लपेटने के बाद जो ये वायर बची है, इसको हम इसके सेम आगे वाली पिन के साथ यहाँ पे हम सोल्डर करेंगे। अब इसको सोल्डर करना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको हम सोल्डर करने के लिए थोड़ी टाइट करके इसको यहाँ तक हम पहुँचा के देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम इसको यहाँ से थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे, मतलब ये यहाँ पे अब इसके साथ कनेक्ट होगी, इसके साथ ये वाली वायर। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा घिस लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे अच्छे से सोल्डर हो जाए। तो मेरे पास ये इतनी सी वायर है, तो मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ। आपकी वायर पूरी होगी तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। तो मैं आपको यहाँ सोल्डर कर लेता हूँ, फिर आगे करते हैं। तो गाइस, मैंने इसको यहाँ पर भी सोल्डर कर लिया है, जैसे मैंने पहले किया था, तो इसको आगे कंटिन्यू कर लिया है। अब हम इन दोनों को तो हमने वाइंडिंग कर दी, अब बारी है इन दोनों की। अब हम इस यहाँ वाली वायर को इसके यहाँ से क्रॉस करेंगे। यहाँ से क्रॉस करने के बाद हम इन दोनों के बीच से घुमा के लेके आएंगे बाहर को। ऐसे पहले हमने इन दोनों को किया था, अब हम इन दोनों को करेंगे। तो मैं 9 टर्न कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सेम हमने जैसे यहाँ पे इन दोनों को वाइंड किया था, अब हमने आगे इन दोनों को 9 टर्न कर लिए हैं।
अब नौ टर्न करने के बाद जो ये वायर आई है, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम इसको यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। यहाँ पे सोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे इसको पहले थोड़ी सी एक निशानी तरह लगा लेंगे, इसको यहाँ से बैंड ही कर लेंगे। ऐसे हमने बैंड कर लिया ताकि हमें पता रहे कि ये यहाँ पे हमें घिसना है, तो इस पॉइंट से हम थोड़ी सी इसको घिस लेंगे। तो सेम हमने आगे भी इसको सोल्डर कर लिया है, बाइंडिंग करने के बाद पूरे नो टर्न करने के बाद हमने इसको सोल्ड कर लिया है। तो सेम पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, अब करेंगे हम इन दोनों को इकट्ठे करना है दो को। अब हम वायर को यहाँ से लेंगे इसके आगे से, बस इतना याद रखना है कि एक छोड़ के करनी है। इसमें नो टर्न, एक, दो, अब ये नौ यहाँ तक पहुँचा है। अब हम इसको भी यहाँ से ऐसे बैंड कर लेंगे, और हम यहाँ से भी इसको, यहाँ से मैंने बैंड कर लिया है नौ करने के बाद, यहाँ से हम घिस के इसको यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसकी चार बाइंडिंग कर ली हैं। अब बची है इसकी आखिरी बाइंडिंग, हमारी लास्ट वाली, जो कि है इन दोनों को। ठीक है, तो नीचे से ऐसा है, तो अभी ये दो बचते हैं, इनके ऊपर से भी ऐसे बाइंडिंग होगी, बाकी के ऊपर से होगी है, इनके दो के ऊपर से होगी। तो इसमें हम जो हमने यहाँ पे सोल्डर किया है इसको, वायर को यहाँ पे हमने सोल्डर कर दिया है इस पॉइंट के साथ। अब हम यहाँ से लेके इसके नीचे से घुमा के यहाँ से इन दोनों को बाइंड करते हुए, इन दोनों पॉइंट को बाइंड करते हुए नौ बार घुमाएंगे। मतलब ये जितने एक में घुमाए हैं उतने ही सब में होने चाहिए। ये आ गया हमारा एक, ऐसे ही हम नौ बार कर देंगे। नौ बार इसको हमने इस पे लपेट दिया है लास्ट वाले पॉइंट पे। अब जो ये वायर बची है इस पे लपेटने के बाद, इसको हम वहीं पे सोल्डर करेंगे जहाँ से हमने पूरी वाइंडिंग को स्टार्ट किया था, इस वाली पिन से। तो हमने इसको जो ये वाली पिन है इससे स्टार्ट किया था, इसी पे हम सोल्डर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको घिसेंगे इस वायर को, और इसके साथ सोल्डर कर देंगे इसके साथ। तो मैं सोल्डर करके फिर बताता हूँ। तो हमने इस वायर को यहाँ पे सोल्डर कर दिया है, तो इसी के साथ हमारी वाइंडिंग ख़त्म होती है। तो हम इस वायर को यहाँ से हम कट कर देंगे, ये हमने काट दी। तो ये हमारी मोटर की पूरी वाइंडिंग हो गई है, देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हुई है। तो हमने हर कोयल पे नौ नौ टर्न लिया, और ये 22 गेज की वायर का यूज़ किया है, जिससे कि हमारा टॉर्क और आरपीएम दोनों बढ़ जाएंगे। ये सोल्डरिंग थोड़ी अच्छे से नहीं हुई, ये चुभ रही है, मैं इसे थोड़ी ऐसी सोल्डरिंग हुई, रुको मैं इसको ठीक करके देखता हूँ। अब थोड़ा ठीक हो गया है। तो ये हमारी पूरी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसके कंप्लीट होने के बाद हम इसको साइड में रखते हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो ये है मल्टीमीटर, तो इससे हम मोटर के आर्मेचर को चेक करेंगे। इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, तो ये हमारा कंटिन्यूटी पे हो गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इस पे रीडिंग में वन आया है। इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बीप की साउंड देता है कि ये कंटिन्यूटी है। तो इसको चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो हम एक इसकी बॉडी पे टच करेंगे एक को, और दूसरी को हम इन जो स्ट्रिप है इन पे टच करके देखेंगे। तो ये बीप नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सही है। अब हम इसको देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे किसी भी इनमें से किसी भी एक, मतलब सभी स्ट्रिप पे हम इसको टच कर करके देखेंगे कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमने इसको एक पे टच कर लिया, जो ये वाली है इस पे हमने इसको लगा लिया, सिर्फ इसी पे लगाना है एक पे। फिर हम इसको बारी बारी चेक करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और
दो तीन, ये भी ठीक है, ये सारी ठीक है। तो इसका मतलब ये आर्मेचर अच्छी तरह से बाइंड हुआ है, ये सोल्डरिंग अच्छी से हो गई है। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो हम पहले इसकी वो आर्मेचर को इसकी बॉडी के अंदर फिट करेंगे। ये है इसकी बॉडी, इसमें दो परमानेंट मैग्नेट लगी हैं, ये और ये। तो इनको टाइट करने के लिए आयरन का क्लिप सा लगाया, जो कि वो अंदर है इसके, जिससे मैग्नेट टाइट रहती है। तो हम इसको इसकी बॉडी के अंदर फिट करेंगे ऐसे। वो जो होल है इसके अंदर डालना है इसको, तो इसको इसमें, ये खुद ही अंदर आ जाती है, देख सकते हो। अब ये घूम नहीं रही अच्छे से, क्योंकि इसको मैग्नेट से टच हो रही है, ये साइडों में, साइडों से मैग्नेट से टच हो रही है। ये दोनों साइड मैग्नेट लगी है, इसलिए अच्छे से घूम नहीं रही है। तो हमने इसको लगा दिया। अब है इसके पीछे वाले ढक्कन को लगाने की बारी, जो कि ये है मेरे पास। इसका हम जो आयरन वाला हिस्सा है, इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे निकल जाता है ये आसानी से। तो ये है इसके कार्बन ब्रश, तो हम इसको इसके ऊपर फिट करेंगे। तो इसके ऊपर फिट करना आसान है, जो ये निशान बना है इसका, ये साइड वाला छोटा सा, ये बाहर को निकला हुआ है, इसको हम इसके यहाँ पे सेट करेंगे। पहले देखेंगे कि जो कार्बन ब्रश है वो टूटे ना, इसको थोड़ा आराम से हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है अंदर की तरफ कि ये टाइट हो जाए। तो ये टाइट हो चुका है, इसके अंदर फिक्स हो गया है। तो अब बारी है इसके ऊपर के इस बुश वाले ढक्कन को लगाने की। इसके अंदर ये बुश होता है, जिसके अंदर हमारी शाफ्ट रोटेट करती है, ये वाला। तो इसको लगाने के लिए इस पे एक डॉट बना है, ये वाला। इस डॉट को हम इस छेद से बाहर निकालेंगे, ऐसे लगाएंगे हम इसको, तो ऐसे ऐसे लगाने के लिए हम इसको ऐसे यहाँ फंसाएंगे पहले, फिर उसके बाद इसको यहाँ रख के नीचे को प्रेस करेंगे ऐसे, जिससे कि ये ऐसे फिक्स हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इस चीज़ से दबाएंगे ऐसे, तो ये अच्छे से चढ़ गया है। अब देख सकते हैं हम, ये रोटेट अच्छे से हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा, जिस जैसे हमने इसको खोला था यहाँ से, ये बने होते हैं क्लैंप से, इसको फिर से अंदर की तरफ बैंड करना है। तो इसको करने के लिए हम किसी प्लास का यूज़ कर सकते हैं, मैं इससे कर रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा अंदर की तरफ बेंड कर देंगे, जिससे कि ये निकलेगा। अच्छे से फिक्स हो चुकी है, ये चढ़ गया है सब कुछ। गाइस, अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग करने की। ये हमारी पूरी फिक्स हो चुकी है, तो हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए ये है हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी। इसको हम चेक करके बताते हैं कि कितना करंट है इसमें। हमने 20 DC पे सेट कर दिया है मल्टीमीटर को। तो ये लगाया हमने पॉजिटिव, ये लगाया हमने नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं मल्टीमीटर 9.8 वोल्ट बता रहा है इसमें। तो हम इससे हम इसको चलाते हैं। तो ये लगाई हमने एक वायर, और इसको हम पकड़ लेता हूँ, लगाई मैंने इसकी दूसरी वायर। आपको इसकी आवाज़ से पता लग रहा होगा कितनी हाई स्पीड आ गई है इसमें। तो इसके लिए मैं इस पे थोड़ी टेप लगा देता हूँ, जिससे आपको पता लगे। तो ये मैंने लगा दी इस पे टेप। तो अब देखिए क्या स्पीड है।
सिर्फ 9 वोल्ट से। अब मैं इसको एक अपनी पावर सप्लाई से बताता हूँ चला के, जो कि मैंने खुद बनाई थी, जो कि यहाँ पर है। ये है, ये 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की पावर सप्लाई है। तो ये इसकी आउटपुट की वायर, ये इसकी इनपुट की वायर। तो इनपुट में हम इसको 220 वोल्ट इनपुट दे देते हैं, और इनपुट में हमने सेट कर दिया, तो ये हो गया ऑन, हमने ऑफ कर दिया इसको। तो हम आपको बताते हैं अब इसमें कितना वोल्ट करंट आउटपुट आ रहा है। ये मल्टीमीटर किया मैंने 20 वोल्ट डीसी, और ये ली मैंने दोनों वायर, आप देख सकते हो। इसमें ऑन करते हैं जब, इसमें 13.4 वोल्ट आ रहा है डीसी। इसको हम बंद कर देते हैं, तो ये ज़ीरो हो गया। तो हम इसको बंद करते हैं, तो इसकी वायर से हम मोटर को अटैच करते हैं। तो ये लगा दी हमने एक वायर इसकी, ये लगा दी हमने हमने दूसरी वायर इसकी। अब हम इसको चला के बताते हैं। तो ये दबाया मैंने बटन, अब देख सकते हो कितनी हाई स्पीड आ गई है इसमें।